कुमार शैलेंद्र जी अभी अभी तो नहीं बता सकते हैं। मोदी जी या कांग्रेस लाएगा तो मोदी जी का है, मोदी जी का है, मोदी जी विकास कुछ करता है। कांग्रेस का है ना, कांग्रेस कहाँ पे अभी है, विकास नहीं होता था पहले, इतना विकास नहीं हुआ था। मोदी जी को का है, मोदी जी को का है, क्योंकि गांव का कम छोटका मोटका नेता का है, देश का विकास मोदी जी कर रहा है, इसीलिए सारे गरीब लोगों से मिलता है वो लोग। अभी कहाँ सबसे भी मिला है, आपसे नहीं मिला है, कभी नहीं, आपसे मिलिएगा तब बनाई दीजिएगा ना। आजाद हुआ आजाद के उसी का परिवार आजाद किया है। मोदी जी चौर गाँव दे रहे हैं इसीलिए क्या, चौर गाँव से मतलब ना। नमस्कार, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे देश में बवाल हो रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, मैं लोगों से जानेंगे इस बार जो है लोकसभा में किसको मोदी जी को ला रहे हैं या नीतीश कुमार को ला रहे हैं। आइए मैं यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका, क्या नाम है? महंत मंडल। आपके गांव में विकास सब हो रहा है कि नहीं, रोड गली सब बन रहा है? कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। आपका विधायक कौन है? कुमार शैलेंद्र जी। विकास नहीं करता है, कोई विकास इधर तो गुरुवोक नहीं आता है, तो नहीं आता है। इधर हम चाचा जी से बात करेंगे, इधर घूमिए जाइए, इधर आइए, इधर घूमिए चाचा जी। इस बार किसको ला रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? अभी अभी तो नहीं बता सकते हैं। मोदी जी या कांग्रेस लाएगा तो मोदी जी का है, मोदी जी का है, मोदी जी विकास कुछ करता है। कांग्रेस का है ना, कांग्रेस कहाँ पे अभी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा? कैसे बनाएंगे, अभी तो उन्नी बुनियादी है, तो कहाँ पे झलक रहा है, कहीं कुली से मिलता है, बहुत सारे गरीब लोगों से मिलता है वो लोग। अभी कहाँ सबसे भी मिला है, आपसे नहीं मिला है, कभी नहीं, आपसे मिलिएगा तब बनाई दीजिएगा ना। हाँ बना देंगे। अच्छा आपके गाँव में विकास होता है कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है। कहाँ पे विकास है, नहीं हो रहा है? नहीं, शैलेंद्र जी तो हर घर में नली गली सड़क बना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आप नहीं बना रहे हैं। जाके देखिए गली में रोड में कितना पानी है, कीचड़ है, जाके गल गली गाँव के घूरिएगा तब नहीं, गाँव घूर के देखिए कैसा विकास हुआ है। शैलेंद्र जी तो वादे करते हैं कि हम बना रहे हैं, अब तो बीजेपी का सरकार है, वादे वहीं पे करता है, जगह पे करके छोड़ देता है ना। अभी तो बीजेपी का सरकार है ना। हाँ बीजेपी का सरकार, तो कुमार शैलेंद्र जी को करना चाहिए, करना चाहिए। आता है तो पूछते ना आप लोग, अभी आते अभी नहीं करता है, यहाँ पे नहीं आता नहीं। और है चाचा जी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? विनोद कुमार। अच्छा आपके गांव में विकास नहीं होता है? कुछ नहीं। किसको ला रहे हैं इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव में, मोदी जी या कांग्रेस जी? नहीं मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ। का है मोदी जी को का है? क्योंकि गांव का कम छोटका मोटका नेता का है, देश का विकास मोदी जी कर रहा है, इसीलिए मोदी ही चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। आपको अच्छा मोदी जी लगता है? हाँ। राहुल गांधी नहीं लगता? नहीं। काहे? क्योंकि जब से आजाद हुआ राहुल गांधी आजाद के उसी का परिवार आजाद किया है। मोदी जी चौर गांव दे रहे हैं इसीलिए क्या, चौर गांव से मतलब ना, देश का विकास मोदी जी किया है या 9 साल में विकास हुआ है, 9 साल में। हाँ। पहले विकास नहीं होता था, पहले इतना विकास नहीं हुआ था, नहीं। पहले इतना खद्दा था इस जगह पे, जब मोदी जी आया तब तो यहाँ पे हुआ विकास, तब रोड झलक रहा है, नहीं तो गड्ढा था इतना, गाड़ी बर्दा लसक जाता था। इस बार भी मोदी जी आ रहे हैं? आ रहे हैं। इस बार भी मोदी जी आ रहे हैं? जी हाँ। चलिए और बाबा साहब है, कुछ बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? गणेश मंडल। अच्छा इस बार किसको ला रहे हैं लोकसभा चुनाव में, मोदी जी या राहुल गांधी? सोचिक कब है? चलिए देख सकते हैं कि कौन सा गांव था ये? बरगे लालपुर। भागलपुर जिला के बरगे लालपुर में जो कि चौपाल पर कुछ लोग ताश खेल रहे थे, शिव मंदिर के पास ताश खेल रहे थे, तो यहाँ के लोगों से मैं जानने का प्रयास किया। आप लोग पटना की खबर देखते होंगे, उधर ज़्यादातर जो है प्रेस वाले उधर ज़्यादातर लोग रहते हैं, उधर की ही खबर देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन इधर की जनता का क्या राय है, क्या मोदी जी को कितना लोग पसंद कर रहे हैं, इधर की लोगों की भी जनता को तो आप लोग तक पहुँचाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।